नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में 18 महापुराणों में एक है गरुण पुराण। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की कई घटनाओं का वर्णन मिलता है। गरुण पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, नीति नियम, रहस्य धर्म और जीवन से जुड़ी कई बातों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुण पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जगत पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। वहीं आपको बता दें कि गरुण पुराण में गाय से जुड़ी ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पूजा और पुण्य की समान फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा जाता है। मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसलिए गाय से प्राप्त हर चीज को बहुत पवित्र माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको गाय से जुड़ी उन्हीं चीजों के बारे में बताएंगे जिनके दर्शन मात्र से आपके सभी पाप और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो शुभ चीजें। सबसे पहले आपको बता दें कि गरुण पुराण में बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गौशाला दिख जाए तो यह बहुत शुभ होता है। गौशाला यानी गायों के रहने का स्थान, जिसे मंदिर के समान पवित्र और पूजनीय माना जाता है। नियमित रूप से गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना, उन्हें चारा खिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। गौशाला में गायों के दर्शन करने मात्र से ही देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज का नाम गोधूली है। गोधूली यानी कि गाय के पैरों से उठने वाली धूल। प्राचीन समय में जब संध्या के समय सभी गाय चरकर अपने घरों को लौटती थी, तब उनके पैरों से धूल उड़ती थी। इसी कारण शाम के इस समय को गोधूली बेला कहा जाता है। यह समय देवी देवताओं की वंदना का समय माना जाता है। गाय की पैर से उठने वाली धूल बहुत ही पवित्र होती है। इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को देवी देवताओं का असीम कृपा हासिल होती है। तो वही गरुण पुराण में कहा गया है कि गौ माता के पैरों के दर्शन करना तीर्थ दर्शन के समान होता है। गाय के चरण स्पर्श करने से ही समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसी के साथ आपको बता दें, अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय के दूध को पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में भी गाय के दूध का ही प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, मनुष्यों के लिए गाय का दूध अमृत के समान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय के दूध के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। इससे पूजा पाठ करने जैसे फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार गोमूत्र को बहुत पवित्र माना गया है। गोमूत्र का प्रयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। तो वहीं गरुण पुराण के अनुसार गोमूत्र देख लेने से ही मात्र ही व्यक्ति का जीवन कष्ट मुक्त हो जाता है। आखिर में आपको बता दें कि गरुण पुराण के अनुसार गाय का गोबर देख लेने मात्र से ही मनुष्य का पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप भी रोजाना गौशाला जाकर गौ माता की सेवा करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।